हाँ जी दोस्तों नमस्कार, सुपिंदर चौहान आज एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि कैसे आपको जो चीज़ें हैं प्रोसेस है वो कैसे होता है ना, कि प्रोसेस क्या है माल्टा जाने का, आज मैं बताऊंगा कि माल्टा एक्चुअली जाना कैसे है। सब इंटरव्यू करते हैं वहाँ कि माल्टा में इतना घुमा रहे हो उतना घुमा रहे हो, बट किसी को ये नहीं पता कि माल्टा जाना कैसे है ना। तो मैं आज आपको वो चीज़ें सारी एक्सप्लेन करूंगा, आप उन चीज़ों को थोड़ा गौर से सुनिएगा समझिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है ना। चलो देखिए, माल्टा छोटी कंट्री है बहुत है ना, बट उसकी प्रमोशन इतनी हुई हुई है इस वक्त कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत प्रमोशन हुई है, यूट्यूब पे आप एक सर्च मारो आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगी। बट अभी क्या है, मार्च 2020 के बाद एक हेल्थ केयर वर्कर को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि किसी का वीज़ा लगा है। लगता क्या, मैं आई एम डैम श्योर किसी का वीज़ा नहीं लगा है ना, क्योंकि एम्बेसीज बंद है, मेरे खुद के 2 अप्रूवल एक्सपायर हो गए है ना। तो ये चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको कोई कह देता है तनख्वाह बता दीजिए 2.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तनख्वाह जी, 1.5 लाख रुपये तनख्वाह, आप उन चीज़ों के पीछे मत भागिए। पहले आप अपनी कैटेगरी समझिए कि क्या है। अब देखिए तीन तरीके के हैं, तीन तरीके का सिस्टम है, स्टूडेंट, वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है कि नहीं। अब स्टूडेंट जिसने अभी अभी स्टडी करी है वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकता है, बहुत अच्छे ऑप्शन है, ब्राइट है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, आप जाके देख सकते हैं कि बहुत ब्राइट ऑप्शन। वर्क परमिट में भी आप जा सकते हैं। वर्क परमिट आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आप समझिए उसको। वर्क परमिट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ना ही सोचे अभी तो ज़्यादा बढ़िया है। और मैं उसको, जो मेरी सलाह है, मैं उसको ये कहता हूँ जो इंग्लिश भी नहीं आती और जो थोड़ा फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल आते हैं वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं। तो मैं पहले जो को देखो, मैं स्ट्रेट सलाह दे रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसी सलाह दे रहे हैं, पर नहीं, आप पहले दुबई जाइए या UAE जाइए, वहाँ कहीं भी आप जॉब करिए कोई अच्छी, अपने आप को पहले फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी होगा वहाँ से, आप वहाँ से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, सस्ता है, जल्दी हो जाएगा। बट अगर अभी आप ये सोचें कि नहीं आपका डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा तो नहीं है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है, एक्सपीरियंस भी है, हाँ वो ट्राई कर सकता है, उसे जॉब मिलेगी क्योंकि इंटरव्यू होगा, वो जॉब क्लियर भी कर सकता है और वो जा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी चीज़ों में फ्री या पेड में आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, वो काम करवा देता है, वो आपको जॉब ढूंढ के देता है, ऑल दैट थिंग्स है ना। बट अब इनमें ये है कि जो फ्री वाली चीज़ें हैं वो हमें अपने आप ही उसको मतलब सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, समझ रहे हो कि नहीं, वो उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, तब वो चीज़ें होती हैं, ठीक है कि नहीं। अब आप किसी चीज़ को सुन लिया देख लिया वीडियो में, उसको फॉलो करना शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के हिसाब से इंसान जा सकता है। अगर आप बहुत अच्छे हाई स्किल्ड लेबर भी हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आप इंटरव्यू में तो फेल हो जाओगे, तो कैसे करोगे। तो पहले आप उसकी तैयारी करिए, इंग्लिश की तैयारी करिए, जिसकी ये चीज़ें सब ठीक है वो कर सकता है। और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अब देखिए इसमें क्या है, खर्चा आता है, 280 यूरो आपको अपने भरने पड़ेंगे फीस, वो आपको ही देनी पड़ेगी, कोई नहीं देनी पड़ेगी। फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल कि आप सिंगल पैनी नहीं खर्चेंगे और हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एक महाराष्ट्र से फोन आया था मुझे, अंकल जी ने वो पूरी मेरे से पूरी कहानी समझ ली और फिर कहते हैं सर मैं आपको पे करके, आपको जो आपकी काउंसलिंग फीस है मैं 250 में आपको पे कर देता हूँ, मैं आई एम ए रिलायबल गाय है तो मैं आपको पे कर देता हूँ, आप मेरा ना करवा दीजिए। अरे मैं कहाँ से करवा दूँ भाई, मैं कोई एजेंट थोड़ा हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी बता सकता हूँ, मैं आपको पूरा सिस्टम पेपर वर्क और सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, कैसे CV डालना है, कहाँ डालना है, कैसा CV होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी होनी चाहिए, कब आपको मेल डालना है, कब आपको जवाब आएगा, इंटरव्यू में आपको क्या कहना है, ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। मैं कोई एजेंट हूँ जो आपका वीज़ा लगवा दूँ, बताओ। एक हैदराबाद से सर का फ़ोन आया था, वो कह रहे भाई साहब आपने मुझसे फीस ली है जी, आप ना मेरा वीज़ा लगवा के दो। मैं कहा आपको लगता है कि दुनिया में कोई है दुनिया में जो 250 रुपये में आपका वीज़ा लगवा देगा। सो मैंने उनका पेमेंट रिफंड कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। अब आप सुनिए, लोग इतने होशियार बनते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता वो अपने काम के लिए क्यों नहीं होशियार बनते, वो फालतू की चीज़ों में दिमाग क्यों लगाते हैं। अगर इतना दिमाग अपने काम में लगाएं तो आपका काम हो जाएगा सर। ध्यान से अगर देखेंगे अपनी इंग्लिश पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मैं सच बोल रहा हूँ सर, यही सच है। मैंने एक वीडियो बनाई थी,
वो मेरे सब्सक्राइबर को जॉब मिल गई थी, ऑफर लेटर एक्सपेक्ट उसको हो गया, उसकी इंटरव्यू हो गई, बट अभी छोटी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं इंडिया से, अभी फिर सुधरनी शुरू हुई हैं, आज अच्छी न्यूज़ आई है माल्टा से, तो वो अब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं, तो वो उसकी अभी फाइल होल्ड पे रखी है। उन्होंने कहा आपकी फाइल एक्सेप्ट कर ली है, अभी थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएं तो हम आपका आगे करेंगे। उसकी मदर को कैंसर था और उसको फंड्स की ज़रूरत थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई कि चलो उसके लिए फ़ंड रेज करते हैं। बहुत उनको मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने उसको फ़ंड दिए, मेरे लिए तो भाई शब्द ही नहीं है उन लोगों के लिए ना। पर कुछ लोग, उसको मैंने स्पेशल कहा था कि वो हॉस्पिटल में रहता है अकेला काम करने वाला, अपने मदर के साथ रहता है, आप उसे फ़ोन करना है तो आप कन्फर्म करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, बट आप अभी मतलब उसको ज़्यादा तंग मत करिएगा। लोग उसको फ़ोन कर रहे हैं, अरे सर मैं ना, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा डाल दूंगा, आप जरा मुझे बताओ आपका कैसा हुआ। अरे कमॉन यार, कमॉन, ऐसा तो मत करो यार। फिर मुझे वो वीडियो डिलीट ही करनी पड़ी क्योंकि वो लड़के को इतने कॉल आने लग गए, वो तंग ही हो गया। तो फ़ंड तो चलो जितने जिन्होंने दिए उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, पर जिन्होंने नहीं दिए या उसको वैसे तंग करना, सर ये तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। आपको अगर काम करना है तो आप ढंग से करिए, आपका होगा, पर आप गलत चीज़ को फॉलो करोगे तो कभी नहीं होगा। इतना ज़्यादा ओवर क्लेवर बनना अच्छी बात नहीं होती, क्लेवर बनिए, क्लेवर अच्छा होता है, पर ओवर क्लेवर होना वो गलत होता है ना। अब चलिए, अब फ्री का मतलब ये नहीं है, हम बात पे आए थे पुराने, फ्री का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री, मुफ्त है जी, बस जी फ्लाइट की टिकट सब खर्चा उन्होंने, आपको 300 यूरो उनके सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के, 280 यूरो देने पड़ते हैं आपको एम्बेसी फीस, जो फिर VFS खर्चा होता है या फिर फ्लाइट का खर्चा होता है, ये चीज़ कुल मिला के 1-1.5 लाख तक कहानी पहुंच जाती है। फ्री का मतलब ये मतलब नहीं है, जीरो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, और कोई आपको कह रहा है कि मैं आपका 35,000 रुपये में वीज़ा लगवा दूंगा, 24,000 रुपये में लगवा दूंगा, सर नहीं लगता, फीस ही उसकी 280 यूरो तो उसकी एम्बेसी फीस ही है, फिर वो सर्विस चार्जेस ही लेंगे, कहाँ से लगवा देगा कोई आपका 35,000 रुपये में वीज़ा। मेरे पास बहुत फोन आए अभी पिछले मैंने वीडियो डाली, बहुत फोन आए, पता नहीं सुपर मार्केट का आज एक नया वो कोई फंडा चल रहा है कि उनको सुपर मार्केट का ऑफर लेटर पकड़ाए जा रहे हैं, और जी 35,000। सर नहीं होता जी ऐसा, आप मत फॉलो करिए इन चीज़ों को, आपका ही नुकसान होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें आप इन चीज़ों को समझिए। तो जो फ्री का मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल फ्री, उसमें आपको पेमेंट देनी पड़ती है, आपका 1,00,000 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है कि नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। तो जो तो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, वो अप्लाई करें, मोस्ट वेलकम, वो कर सकते हैं, मैं उनको गाइड भी कर दूंगा। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं अच्छी है और जो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो मैं उनको कहूँगा पहले वो गल्फ जाइए, अपने आप को सपोर्ट करिए, आप किसी की बातों में मत आइए, आप अपने आप को सपोर्ट करें, अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो, और वहाँ से आप 6-8 महीने बाद आप मुझे बताइए, मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता जीरो पैनी, मैं आपका मतलब जो चार्जेस लगेंगे जो उनके रिक्रूटमेंट एजेंसी के वही लेंगे, मैं आपका करवा दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ वहाँ से, दुबई से, मैं दुबई, UAE, कतर, कोई भी बैठा है अभी भी, कोई भी बैठा है, मैं करा दूंगा 100% करा दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। पर अभी इंडिया से थोड़ी चीज़ें हैं, इंडिया में अभी वेट करना पड़ेगा आपको 15 अगस्त तक, 15 अगस्त के बाद शायद चीज़ें नॉर्मल होंगी तो हम कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, गलत चीज़ों को बिल्कुल, गलत चीज़ों में बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि गलत चीज़ों में आप चलेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। किसी को फालतू में वीडियो देख के किसी को फॉलो मत करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को सब्सक्राइब करिए उसको करिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा ये, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाइए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ, मेरे पास वो स्किल्स हैं, मेरी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो आप जा सकते हैं, जिन्होंने अभी भी स्टडी करी है तो वो तो स्टडी में जा सकते हैं, उनके पास तो ऑप्शंस हैं। तो समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को समझिए, फॉलो करिए और आप मुझे बताइए। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मेरे को देखिए, मैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता हूं जिसमें एक्चुअली ज़रूरत होती है जिनको। अब वो लोग ज़्यादा मज़े लेने के लिए, सर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको एंटरटेन करूं मज़े लेने के लिए कि हाँ जी पूरा, नहीं मेरे पास नहीं है सर, मैं भी किसी की मदद के लिए हूं, उसकी मेरी भी फ़ीस है, मतलब प्रीमियम मैं भी 250 रुपीज़ चार्ज करता हूं। जिसको सच में काउंसलिंग चाहिए, जिसको सच में डिटेल में जाना है, सब कुछ पूछना है, सारा प्रोसेस पूछना है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, क्या होना है, क्या नहीं, कैसे होगा, कैसे वीजा होगा, अगर वो फॉलो करेगा तो कोई दुनिया की ताकत उसे वहां जाने से नहीं रोक सकती, वो जाएगा ही, ठीक है कि नहीं। तो जिसको सच में डिटेल में पूछना है वो मुझे बेझिझक मेल करे, विद इन 6 आवर टू 12 आवर मैं उससे कॉन्टेक्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ठीक है कि नहीं। तो आप जिसको सच में जरूरत है, जो डिटेल में जाना चाहता है क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उसकी मेरी फीस है काउंसलिंग 250, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको स्लॉट दूंगा, स्लॉट में हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपको भी डिटेल में समझ में आएगा, आपको किसी के चक्करों में फंसोगे भी नहीं कि क्या प्रोसेस होता है, और आप अपने आप से कर लोगे, आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, आपको पता लग जाएगा ये इस जगह ये पैसे गलत मांग रहा है, ये ऐसे पैसा नहीं होता, ठीक है कि नहीं। तो आप चिंता मत करिए, बेझिझक बिंदास मेल डालिए, टेंशन नहीं लेनी आपको, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है कि नहीं।